नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश जैन, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी इटरनल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम हेपेटाइटिस के बारे में कुछ बात करेंगे। हेपेटाइटिस लीवर का एक इन्फ्लेमेशन या संक्रमण होता है जो कि कुछ वायरसेस के द्वारा होता है। अभी गर्मियाँ आने वाली है, समर्स में ये वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और दूषित जल या दूषित पानी या दूषित खाने की वजह से ये हमारे शरीर में प्रवेश करके लीवर में इन्फेक्शन करते हैं। मुख्यतः ये दो तरह के होते हैं, हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि पानी के द्वारा फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस ये लीवर में जाता है, लीवर में संक्रमण करता है, उसकी वजह से लीवर में सूजन आ जाती है, मरीज़ को सिम्टम्स आते हैं। उसमें एक प्रोडोर्मल फेज होती है जिसमें कि शुरू में उसको फीवर आता है, भूख कम हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसको पीलिया हो जाता है, उसकी आँखें पीली हो जाती है, यूरिन पीला हो जाता है और उसकी भूख कम हो जाती है। हेपेटाइटिस मुख्यतः जो वायरस हैं वो ए और ई हैं, उनकी वजह से जो होता है वो एक फेज चलती है, इक्टरस फेज, पीलिया चलता है थोड़े दिन के लिए, उसके बाद वो रिकवरी फेज में आ जाता है। तो मोस्टली 90% केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इस दौरान आपको नियमित चेकअप कराना है, चेकअप करा के डॉक्टर से दवा लेनी है और रेस्ट करना है और नॉर्मल डाइट लेनी है। इस तरह का कुछ नहीं है कि आपको पीला खाना बंद करना है, हल्दी बंद करनी है, इस तरह का कुछ नहीं है। नॉर्मल डाइट आपको लेनी है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और उसके बाद जब रिकवरी फेज होती है तो उसके बाद मरीज इसमें अपने आप ठीक हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है डॉक्टर के, क्योंकि 1-2% केस में ये सीवियर हेपेटाइटिस हो सकती है। सीवियर हेपेटाइटिस और इवन एक्यूट लीवर फेलियर भी हो सकता है 100 में से 1 केस में। इसलिए हमें मॉनिटरिंग करके कुछ टेस्ट होते हैं, LFT होता है, PTINR होता है, जिसको देख के हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा मरीज़ लीवर फेलियर में जा रहा है, कौन से मरीज को सीवियर हेपेटाइटिस हो रही है। अगर मरीज को ज़्यादा सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग आ रही है और फीवर आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, वो कुछ खा नहीं पा रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उस स्थिति में हमें उसको एडमिट भी करना पड़ता है और इलाज की ज़रूरत होती है। इलाज इसका नॉन स्पेसिफिक होता है, सिम्टोमेटिक होता है, जिस तरह के मरीज को लक्षण है उसी तरह का इलाज दिया जाता है। इसके लिए कोई विशेष दवा नहीं होती है क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है और अपने आप ठीक हो जाता है। 1% केस जिसमें कि एक्यूट लीवर फेलियर होता है, उसमें पेशेंट को ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है, उसको ICU में एडमिट भी करना पड़ सकता है और उसमें से भी कुछ लोगों को तुरंत अर्जेंट लीवर ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन्स हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है जो कि 2 वैक्सीन लगती है, 1 और 6 महीने के बाद। अगर आप वैक्सीन लगा लेते हैं तो आपको कभी भी हेपेटाइटिस ए नहीं होगा। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, उसका अभी रिसर्च चल रहा है, पर स्टिल जो हम कर सकते हैं वो ये है कि दूषित पानी और दूषित जल और दूषित खाने, इनसे हम बचाव रखें। इस बार गर्मियों में जैसे हम बाहर घूमने जाते हैं तो स्वच्छ खाना खाएं, स्वच्छ पानी पिएं और अपने बॉडी का ध्यान रखें, तो हम हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं। थैंक यू।